चर्चों में 2019 के चुनाव में भाजपा को हराने की प्रार्थना पर डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। चर्चों में भी सभाएं होने लगी हैं, प्रार्थना करने की बात कर रहे हैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी हटाने के लिए। तो क्या ये जो 11,000 करोड़ की फंडिंग बंद हुई है, विदेशों से आती थी एनजीओ के पास में, क्या उसका परिणाम है? उनकी पीड़ा अलग है, उनकी पीड़ा पूरे देश स्तर में है कि जिस प्रकार विदेशी धन के बारे में सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की और इस धन का उपयोग दुरुपयोग जहाँ जहाँ हो रहा था उसको रोकने का साजिश किया और 70% कमी आई है, ये पीड़ा उन सब की है और वो सब बीजेपी के विरोध में खड़े होने की ताकत का है। और मैं समझता हूँ कि जितनी राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो सब मजबूती के साथ साथ देगी और ये लाख विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ही नहीं, 19वें माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.